दोस्तों, अगर आप घर बैठे स्मार्टफोन एप्लीकेशन द्वारा इंस्टेंट पर्सन लोन ऐप के जरिए से लोन लेना चाहते हैं, वो भी सिर्फ आधार कार्ड पैन कार्ड के ऊपर, तो ऐसे में आप इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल भाई कर सकते हैं। लेकिन लोन अप्लाई करने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, आपकी डॉक्यूमेंटेशन क्या होंगे, और साथ साथ इस एप्लीकेशन की अपडेट्स भी देने वाले हैं। बिना एप्लीकेशन की अपडेट जाने बिल्कुल भी इस एप्लीकेशन के अंदर लोन अप्लाई नहीं करेगा। तो चलिए यहाँ पर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा और सारा प्रोसेस अप्लाई करके दिखाऊंगा, कौन सी एप्लीकेशन है, कितने दिनों के लिए भाई लोन्स फंडिंग करती है, सारा कुछ यहाँ पर लाइव ही देखने वाले हैं। तो वीडियो हमारे साथ बने रहे, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करके नहीं देखेगा। दोस्तों, मैं हूं उम्मीद और आप देख रहे हैं टेक एंड ऑनलाइन सॉल्यूशन में आपका स्वागत करते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, फैलना चुके मोबाइल फोन के स्क्रीन पर, तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को देखिए, उसके बाद ही लोन के लिए अप्लाई करेगा। दोस्तों, आज हम जिस एप्लीकेशन के बारे में बात करने वाले हैं, हालांकि ये न्यू लोन एप्लीकेशन नहीं है, परंतु इस एप्लीकेशन के कुछ अपडेट्स भी देने वाले हैं। अपडेट्स क्या है ये बिना जाने आप पर्सनल लोन्स के लिए अप्लाई बिल्कुल भी नहीं करेगा इस एप्लीकेशन के अंदर। क्या डॉक्यूमेंटेशन लगेंगे और क्या एलिजिबिलिटी होगी, सारी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लीजिए, उसके बाद ही सोच समझ के लोन्स के लिए अप्लाई करेगा। तो चलिए जानते हैं वो कौन सा एप्लीकेशन है, किस तरह से भाई वर्क करती है और क्या अपडेट्स आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। दोस्तों, बात करें इस एप्लीकेशन के सबसे पहले अपडेट के बारे में, इन्होंने यहाँ पर रिवील्स कर दिया है, बता दिया है कि किस एनबीएफसी के जरिए से भाई हम लोन फंडिंग करते हैं। आप यहाँ पर देख पाएंगे कैश टीएमए ब्रांड ऑफ द आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी रेनो फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड। तो भाई ये रेनो फाइनेंस लिमिटेड द्वारा भाई यहाँ लोन फंडिंग करती है। इन्होंने यहाँ पर आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी नाम बता रखा है कि किस एनबीएफसी के जरिए से लोन फंडिंग करती है। वहीं पर आपको मिनिमम 2000 से लेकर 50000 तक का लोन प्रोवाइड कराती है। बात करूँ पर एनुअल इंटरेस्ट रेट के बारे में, तो ऐसा आपको यहाँ पर सालाना 12% से लेकर 24% तक सालाना चार्ज किया जा सकता है। वहीं पर लोन रिपेमेंट की बात आती है, तो ऐसे में आपको यहाँ पर 3 मंथ से लेकर 12 मंथ की सुविधा आपको दी जाती है। अभी कितनी सही बात है ये तो हम लोन अप्लाई करके ही देखेंगे कि कितने दिनों के लिए लोन्स प्रोवाइड करा रही है। तो बात वहीं पर आती है प्रोसेसिंग फी के बारे में। दोस्तों, यहाँ पर इन्होंने बताया कि 250 से लेकर 500 तक चार्ज किया जा सकता है। तो आपको यहाँ पर किसी तरह कोई फिजिकल डॉक्यूमेंट्स नहीं देने हैं, सारे प्रोसेस डिजिटली तरीके से ही आप पेपरलेस तरीके से आप यहाँ पर लोन्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सिर्फ आधार कार्ड पैन कार्ड के ही रिक्वायरमेंट्स होगी, किसी तरह कोई ग्रांटर और किसी तरह कोई फिजिकल डॉक्यूमेंट्स कहीं भेजने की जरूरत नहीं है। अगर आपको यहाँ पर किसी तरह का कोई क्वायरी है, तो इनके ऑफिशियल मेल आईडी के जरिए से सपोर्ट या फिर हेल्प ले सकते हैं और इनके दिए गए नंबर के ऊपर से भी कॉल या फिर सपोर्ट ले सकते हैं। और आप नीचे में देख पाएंगे इनके एड्रेस भी यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं। हालांकि इन्होंने तो बता दिया कि किस एनबीएफसी के जरिए से लोन फंडिंग करती है। दोस्तों, यहाँ पर हम जिस एप्लीकेशन के बारे में यहाँ पर बात करें, ये है कैश टीएम, जो कि बहुत पहले से एप्लीकेशन प्ले स्टोर के ऊपर अवेलेबल है और इन्होंने फाइनली यहाँ पर बता दिया किस एनबीएफसी के जरिए से लोन फंडिंग करते हैं। लोन अप्लाई करने से पहले यहाँ पर नीचे में देख पाएंगे 1 मिलियन से ऊपर इस एप्लीकेशन को डाउनलोड किया गया है और रेटिंग यहाँ पर देख पाएंगे 3.2 की रेटिंग दी गई है। सिंपल एप्लीकेशन को यहाँ पर इंस्टॉल करने के बाद ओपन करेंगे और इस तरह का एप्लीकेशन का इंटरफेस आपको देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहले आप यहाँ पर कुछ परमिशन भी देंगे, जिसमें कि फोन, लोकेशन, कैमरा, स्टोरेज के लिए परमिशन देंगे। उससे पहले टर्म्स कंडीशन एंड प्राइवेसी पॉलिसी रीड करके आप एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू वाले बटन के ऊपर क्लिक करेंगे और इस तरह से कंटिन्यू परमिशन देंगे, अलाउ करेंगे। तो यहाँ पर रजिस्टर्ड करने से पहले आप नीचे में देख पाएंगे ब्रांड ऑफ आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी रेनो फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा भाई लोन फंडिंग करती है। आप यहाँ पर मोबाइल नंबर डालेंगे और गेट ओटीपी के जरिए ओटीपी कोड फिलअप करेंगे और नीचे से लॉग इन करेंगे। तो दोस्तों, ये है कैश टीएम एप्लीकेशन की डैशबोर्ड और आप यहाँ पर देख पाएंगे आपको यहाँ पर 50,000 रुपए आपको एलिजिबिलिटी मिल सकती है। मैक्सिमम लोन आपको यहाँ पर 50,000 रुपए ही दिए जाते हैं। अगर आपको यहाँ पर किसी तरह का कोई क्वेरी है, तो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा कस्टमर सर्विस नंबर। अब यहाँ पर बात आती है कि किस तरह से एप्लीकेशन भाई ये वर्कआउट करती है। सबसे पहले एप्लीकेशन को यहाँ पर सबमिट करेंगे, इन्फॉर्मेशन देंगे, उसके बाद आपकी एप्लीकेशन रिव्यू होगी। रिव्यू होने के बाद ही अपने बैंक खाते में पैसे को ट्रांसफर कर सकते हैं, यानी कि आपको यहाँ पर 3 स्टेप में एप्लीकेशन भाई कंप्लीट होने वाली है। तो यहाँ पर हम लोन अप्लाई करके देखेंगे कि आपको यहाँ पर कितने दिनों का लोन प्रोवाइड करा रही है, कितने दिनों का लोन पीरियड होने वाली है। लोन अप्लाई करने के लिए अप्लाई वाले बटन के ऊपर आप सिंपल क्लिक करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन डिटेल शेयर करना होगा, जो भी आपका पैन कार्ड में आपका नाम होगा, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, जेंडर बताएंगे, डेट ऑफ बर्थ बताएंगे, कितने तक पढ़े वो बताएंगे, मैरिटल स्टेटस बताएंगे, एक वैलिड ईमेल आईडी देंगे, आधार नंबर देंगे और पैन नंबर आपको यहाँ पर देनी होगी और एक अपना प्रीफर लैंग्वेज चूज करेंगे और नीचे से नेक्स्ट स्टेप वाले बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। दोस्तों, वहीं पर बात आती है केवाईसी डॉक्यूमेंट्स के बारे में। तो आपको यहाँ पर आधार कार्ड का फ्रंट और बैक कॉपी अपलोड करना होगा, पैन कार्ड का फ्रंट कॉपी अपलोड करेंगे और एक पर्सनल आप यहाँ पर सेल्फी फोटो अपलोड करेंगे। उसके बाद नीचे से नेक्स्ट स्टेप वाले बटन के ऊपर आप सिंपल क्लिक करेंगे। दोस्तों, अब यहाँ पर बात आती है होम एड्रेस आपको यहाँ पर देनी होगी, आपकी पिन कोड क्या है, कंप्लीट एड्रेस आप यहाँ पर देंगे, स्टेट एंड सिटी के साथ आप ये भी बताएंगे कि आपका टाइप्स ऑफ रेसिडेंस क्या है, रेंट पे रहते हैं, पीजी में रहते हैं क्या है, या फिर खुद के घर में रहते हैं,
वो चीजें आपको यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग देनी होगी और नीचे से नेक्स्ट स्टेप वाले बटन के ऊपर आप सिंपल क्लिक करेंगे। दोस्तों वहीं पर बात आती है एम्प्लॉयमेंट वेरिफिकेशन के बारे में। आप यहाँ पर बताएंगे सेल्फ एम्प्लॉयड है या फिर सैलरी प्रोफेशनल, अपने हिसाब से यहाँ पर चूज करेंगे और आपको यहाँ पर बतानी होगी मंथली इनकम आपकी क्या है, जो भी होगी आप एक्यूरेट ही डालिएगा और नीचे से नेक्स्ट स्टेप वाले बटन के ऊपर आप सिंपल क्लिक करेंगे। दोस्तों यहीं पर बात आती है कॉन्टैक्ट रेफरेंस नंबर आपको यहाँ पर देने होंगे, यानी दो रेफरेंस कॉन्टैक्ट नंबर आपको भाई प्रोवाइड कराना होगा। उसके बाद नीचे से सबमिट एप्लीकेशन के ऊपर सिंपल क्लिक करेंगे। तो फिलहाल यहाँ पर देख पाएंगे एप्लीकेशन प्रोग्रेस में है, तो फाइनली यहाँ पर एप्लीकेशन देख पाएंगे सबमिट हो चुका है। ऐसे में आपको यहाँ पर ओके वाले बटन के ऊपर सिंपल क्लिक कर लेना है। दोस्तों अब यहाँ पर बात आती है बैंक अकाउंट इन्फॉर्मेशन ऐड करना होगा, उसके लिए यहाँ पर ऐड बैंक अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे। दोस्तों आपको सबसे पहले यहाँ पर अकाउंट होल्डर नेम बतानी होगी, अकाउंट नंबर डालेंगे, कंफर्म करेंगे अपना अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड डालेंगे, उसके बाद नीचे से वेरीफाई वाले बटन के ऊपर सिंपल क्लिक करेंगे। दोस्तों आपने जो भी बैंक अकाउंट डिटेल्स दिया है अगर आपकी सही है तो आप नीचे से कंफर्म करेंगे। तो दोस्तों यहाँ फिलहाल स्क्रीन के सामने देख पाएंगे पेंडिंग अप्रूवल का यहाँ पर ऑप्शन आ रही है, यानी कि आपकी एप्लीकेशन प्रॉपर तरीके से सबमिट हो चुकी है, अब आपको यहाँ पर अप्रूवल के लिए वेट करना होगा। उसके बाद ही आपको कितने की एलिजिबिलिटी मिलती है वो चीजें आप आपके एप्लीकेशन के डैशबोर्ड में मिलेंगे। यदि आपको अप्रूवल नहीं मिलती वो चीजें आपके एप्लीकेशन के डैशबोर्ड में ही मिलने वाले हैं। तो भाई ये थी कैश टीएम, जिन्होंने यहाँ पर बता रखा है कि किस एनबीएफसी के जरिए से भाई लोन फंडिंग हम करते हैं। तो एक तरह से ये एनबीएफसी द्वारा ही भाई लोन फंडिंग करी जाती है, ट्रस्टेड आप मान सकते हैं। तो दोस्तों आप सभी लोग जैसे जानते हैं एक आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी के द्वारा ही भाई लोन फंडिंग करती है और उसी के ऊपर वीडियो बनाई जाती है। तो हमारे चैनल के ऊपर बहुत सारे वीडियो ऑलरेडी पड़े हुए हैं। यदि आप इस लॉकडाउन के अंदर में पर्सनल लोन्स के रिक्वायरमेंट है तो मैंने बहुत सारे वीडियो बना चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन पार्ट में वीडियो की लिंक आपको मिल जाएगी, यार एक बार जरूर चेकआउट कर ले। कौन कौन से एप्लीकेशन फिलहाल वर्क नहीं कर रही है उसके बारे में भी मैंने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दिया है। तो एक बार तो हमारे चैनल को भी विजिट कर सकते हैं या फिर इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन पार्ट भी चेक कर सकते हैं। मैंने एक न्यू कंपनी के बारे में बताया है, अगर उसके बारे में अगर जानना चाहते हैं तो उसके ऊपर भी कंप्लीट प्रोसेस लाइव अप्लाई करके ही दिखाया गया और अपने बैंक खाते में ट्रांसफर मैंने करके दिखाया। अब तक वो वीडियो नहीं देखे यार तो वो भी वीडियो देख सकते हैं, फिलहाल लॉकडाउन के अंदर में ही वो लोन कंपनी स्टार्टअप हुई है। तो दोस्तों ये थी कैश टीएम की अपडेट, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा क्योंकि इस चैनल के ऊपर मैक्सिमम वीडियो लाइव विद प्रूफ के साथ हमेशा वीडियो मैं लाते रहता हूँ।